नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है पोको X5 Pro 5G। दोस्तों अगर आपने इस फोन को परचेस किया है या अगर आप परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन का सेटअप कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है ये 10 सेटिंग्स। अगर आप इन सभी सेटिंग्स को चेंज करोगे तो आप काफी बेहतर तरीके से अपने फोन को यूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उन सभी 10 सेटिंग्स को वन बाय वन। आप अपने फोन में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर यूज कर पाओगे, तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, ऑडियो डिस्प्ले में, और यहाँ पे होगा डबल टैप टू वेक, इसे ऑन कीजिए। इसके अलावा आपको होम पेज पे पिंच इन करना है, जाना है सेटिंग्स में, मोर पे टैप कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन होगा डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, आपको इसे भी ऑन करना है। अगर आप चाहते हो आपके फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर पे टच करते ही आपका फोन अनलॉक हो जाए तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो, जैसे कि मैंने इनेबल किया अपने फोन में, बस मुझे टच करना है मेरा फोन अनलॉक हो जाता है। आप देख सकते हो मुझे प्रेस नहीं करना पड़ता है या दबाना नहीं पड़ता है, बस टच करते ही मेरा फोन अनलॉक हो जाता है। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में फिंगरप्रिंट अनलॉक पे टैप करना है और यहाँ पे होगा ये ऑप्शन फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन मेथड, आपको प्रेस पे टैप करके करना है टच सिलेक्शन। अगर आप गौर करोगे तो अगर आपने अपने फोन को लॉक किया है, ऐसे में अगर कोई बंदा आता है आपके फोन में, अगर वो चाहे तो कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है बिना पासवर्ड को एंटर किए, बिना फोन को अनलॉक किए कोई भी बंदा आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को यूज कर पाएगा, उसे चेंज कर पाएगा, सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन पे ये कंट्रोल सेंटर एक्सेस ना कर पाए कोई बिना पासवर्ड के, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में, नीचे आपको मिलेगा ये ऑप्शन आइटम शोन ऑन द लॉक स्क्रीन, आपको इस पर टैप करना है और आपको इन दोनों को ऑफ करना है। दोनों को ऑफ कीजिए, इसके बाद आप देखोगे अगर मैं अपने फोन को लॉक करूंगा और अगर कोई भी आता है तो मेरे फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब मैं अपने फोन को अनलॉक करूंगा तभी कंट्रोल सेंटर को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। इस तरीके से आप अपने फोन में सभी कॉल्स के लिए ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के, मतलब कि आप अपने फोन में कॉल को रिकॉर्ड भी कर पाओगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। तो कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन ऐप में, आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे ऑप्शन होगा कॉल रिकॉर्डिंग का, आपको इस पर टैप करना है, इसे ऑन कीजिए रिकॉर्ड कॉल्स ऑटोमेटिकली, और आपको सेट करना है ऑल नंबर्स पे, मतलब कि आपके अब सभी कॉल्स रिकॉर्ड होंगे। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया होगा, जैसे कि मैंने किया है अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल, तो इसमें क्या होता है फेस आपका स्कैन होता है और आपका फोन अनलॉक हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो फोन अनलॉक हो चुका है लेकिन अभी भी पूरी तरीके से अनलॉक हुआ नहीं है, मुझे करना पड़ता है स्वाइप अप, उसके बाद ही मेरा फोन होगा पूरी तरीके से अनलॉक। तो अगर आप चाहते हो फेस से स्कैन करने के बाद आपका फोन तुरंत अनलॉक हो जाए, आपको स्वाइप करना ना पड़े, तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। आपको जाना है सेटिंग्स में, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, फेस अनलॉक में, और ये जो ऑप्शन है स्टे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, आपको इसे ऑफ करना है। इसके बाद अगर मैं अपने फोन को अनलॉक करूंगा फेस से, तो आप देखोगे आपको अब स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, बिना स्वाइप के ही आपका फोन अनलॉक हो जाएगा फेस से। आपके फोन में कई सारे ऐप्स ऐसे होंगे जो मल्टी विंडो सपोर्ट नहीं करते, मतलब कि आप ऐसे ऐप्स को पॉपअप विंडो में या स्प्लिट विंडो में ओपन नहीं कर सकते, जैसे कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सेटिंग्स, कॉल सेटिंग्स, कैमरा। जैसे कि आप देख सकते हो अगर मुझे इंस्टाग्राम को ओपन करना है मल्टी विंडो में, तो यहाँ पे मैं लॉक टैप करूंगा, मल्टी विंडो के दोनों फीचर डिसेबल है, मैं इन्हें यूज नहीं कर सकता। सेम तरीके से अगर फोन ऐप की बात करेंगे तो यहाँ पे भी डिसेबल है मल्टी विंडो के फीचर। तो अगर आप चाहते हो सभी ऐप्स आपके फोन में मल्टी विंडो सपोर्ट करे, तो आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट फोन में, MIUI वर्जन पे आपको लगातार 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7, बैक जाइए सेटिंग्स में, आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स, इस पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा नीचे डेवलपर ऑप्शंस, आपको इसे ओपन करना है। नीचे आइए और नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसाइजेबल, इसे ऑन कीजिए। इनेबल फ्री फॉर्म विंडोज, इसे भी ऑन कीजिए, और लास्ट में इनेबल नॉन रिसाइजेबल इन मल्टी विंडो, इसे भी ऑन कीजिए। इसके बाद अगर आप देखोगे अगर अब मुझे इंस्टाग्राम को करना हुआ मल्टी विंडो में ओपन, तो आप लॉन्ग टैप करिए, अब आपको मिलेंगे दोनों ऑप्शन, मतलब कि आप अब इसे स्प्लिट विंडो में या पॉपअप विंडो में भी यूज कर पाओगे। इस तरीके से आप देख सकते हो अगर मैं चाहूँ तो इंस्टाग्राम को ही या किसी भी ऐप को बड़ी आसानी से कर सकता हूँ पॉपअप में भी यूज। इस तरीके से आपके फोन में कितनी रैम यूज हो रही है आप उसे काफी आसानी से रियल टाइम में चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने इनेबल किया अपने फोन में, तो अगर मैं जाऊंगा रिसेंट ऐप में, टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे शो करेगा
रैम इन्फो, कितनी रैम यूज हो रही है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा वर्चुअल रैम आपने कितनी इनेबल की है। इसके अलावा ये जो कॉलम है जहां पे आपको मिलेंगे चार ऑप्शंस, अगर आप चाहते हो इसे यहां से निकालना, रिमूव करना, तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हो। हम दोनों ऑप्शंस को साथ में करेंगे। तो इसके लिए आपको होम पेज पे पिंच इन करना है, जाना है सेटिंग्स में, मोर में, और यहां पे सबसे पहले आपको इसे इनेबल करना है, शो मेमोरी स्टेटस, इसे ऑन कीजिए। और ये जो ऑप्शन है शो सजेशन, आपको इसे ऑफ करना है। अब आप देखोगे अगर मैं जाऊंगा रिसेंट ऐप में तो ऊपर में शो करेगा रैम इन्फो, और जो कॉलम था यहां पे अब यहां से गायब हो चुका है। आप अपने फोन में बैक टैप को भी इनेबल कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने फोन के बैक पे टैप करोगे, डबल टैप या ट्रिपल टैप, तो आप अपने फोन में अलग अलग फंक्शंस को इनेबल कर सकते हो, जैसे कि डबल टैप के लिए स्क्रीनशॉट, ट्रिपल टैप के लिए कैमरा या टॉर्च। तो अगर आपको इसे ऑन करना हुआ तो जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर शॉर्टकट्स, इसके बाद है यहाँ पे बैक टैप का फीचर, टैप कीजिए इस पे, ये है डबल टैप। तो आपको मिलेंगे इतने सारे ऑप्शंस। डबल टैप के लिए मैं सेट करूंगा स्क्रीनशॉट को, और ट्रिपल टैप के लिए मैं सेट करूंगा लॉन्च कैमरा, मतलब कि जब भी मैं अपने फोन के बैक साइड में डबल टैप करूंगा मेरे फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर होगी, और अगर मैं करूंगा ट्रिपल टैप तो मेरे फोन में लॉन्च होगा कैमरा। हालांकि अगर आपका फोन लॉक होता है तो ये फीचर वर्क नहीं करेंगे। आप अपने फोन में साइड बार को भी इनेबल कर सकते हो, और अगर आप साइड बार को इनेबल करोगे तो आपको मिलेंगे कई सारे फीचर्स। तो इसे इनेबल करने के लिए जाइए सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, और इसमें नीचे होगा स्पेशल फीचर्स में फ्लोटिंग विंडोज का ये ऑप्शन, टैप कीजिए इस पे, और यहाँ पे होगा साइड बार, इसे ओपन कीजिए। आपको तीनों को ऑन करना है। तो इसे ऑन करने के बाद क्या होगा, आपको मिलेगी एक लाइन, ये रही, इसे आप लॉन्ग टैप करके ड्रैग भी कर सकते हो इस साइड में या इस साइड में, आपको जहां पे प्लेस करना है वहां पे। और इस लाइन पे अगर आप स्वाइप करोगे तो आपको मिलेगा ये साइड बार, यहाँ पे है कई सारे एप्स। अगर आप इन एप्स पे टैप करोगे तो वो जो एप्स होगा ओपन होगा छोटी विंडो में हमेशा इस तरीके से, जिसकी साइज भी आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से, और इसे क्लोज करने के लिए स्वाइप अप कीजिए। लेकिन इसका जो शानदार फीचर है वो है वीडियो ऐप और गेम्स के लिए। तो आपको गेम्स में ऐड करने हैं सारे गेम्स जो भी आपने डाउनलोड किए हैं। तो मैंने दो गेम्स को यहाँ पे ऐड कर लिया है साइड बार में। इसके अलावा वीडियो ऐप्स में जो भी वीडियो प्ले होता है, ऐसे ऐप्स जैसे कि यूट्यूब, गैलरी, प्राइम वीडियो, तो इसके बाद अगर मैं किसी भी ऐप को ओपन करूंगा, गेम या वीडियो ऐप को, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे लाइन शो करेगी, ये है साइड बार। स्वाइप करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स। जो शानदार फीचर है यहाँ पे वो है स्टाइल का, मतलब कि जो कलर है आप उसे चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर में आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। इसके अलावा ये है प्ले साउंड विद स्क्रीन ऑफ, मतलब कि अगर मुझे इसे प्ले करना है लॉक करते हुए, इसे बैकग्राउंड में अगर मुझे प्ले करना है तो आपको इस पे टैप करना है। आप देखोगे मैंने फोन को लॉक किया है फिर भी यूट्यूब बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी वीडियो प्लेयर को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो अगर आप अपने फोन को लॉक करोगे। फिर भी मान लेते आपका फोन लॉक है, ऐसे में आपको तुरंत टॉर्च को ओपन करना है या कैमरा को ओपन करना है, तो कैसे करोगे? तो उसके लिए भी हम शॉर्टकट इनेबल करेंगे। तो आपको अपने फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, आप अपने फोन को बिना अनलॉक किए ही टॉर्च और कैमरा को ओपन कर पाओगे। तो इन शॉर्टकट को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर शॉर्टकट्स में, और आपको यहाँ पे मिलेगा ऑप्शन लॉन्च कैमरा, इसे ओपन करके आपको इसे ऑन करना है, डबल प्रेस वॉल्यूम डाउन। इसके अलावा टर्न ऑन टॉर्च, आपको इसे ऑन करना है, डबल प्रेस पावर बटन। तो मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, ऐसे में अगर आपको तुरंत टॉर्च को ऑन करना है तो आपको पावर की पे दो बार प्रेस करना है। इस तरीके से आपके फोन में टॉर्च ओपन हो जाएगा, फिर से डबल प्रेस कीजिए इसे ऑफ करने के लिए। इस तरीके से आप टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो डबल प्रेस करके पावर की पे। और अगर आपको कैमरा को ओपन करना हुआ तो आपको वॉल्यूम डाउन पे दो बार प्रेस करना है, कैमरा ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो आपका फोन लॉक है फिर भी आप अपने फोन में कैमरा को ओपन कर सकते हो इस तरीके से वॉल्यूम डाउन पे दो बार प्रेस करके। दोस्तों तो ये थी वो 10 सेटिंग्स जो आपको चेंज करनी थी आपके पोको X5 Pro 5G में। इसके बाद आप अपने फोन को काफी अच्छी तरीके से यूज कर पाओगे। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।